हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो भी बड़ा ही थोड़ा अटपटा नाम है, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ये क्या है एक्चुअली यार, ये क्या है, नाम लेने में इतना डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट कितना डिफिकल्ट होगा, ये टेस्ट कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका भाई इधर है, समझा रहा है आपको हिंदी में सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका। ये डेटा एनालिटिक्स ये जो सब्जेक्ट है इसको बिलोंग करता है। तो पहले तो देखते हैं इसका मोटिव क्या है भैया, ये विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट इसका मोटिव क्या है। ये कहता है It is actually a non-parametric hypothesis test. मतलब ये भी एक type का hypothesis test ही है, to validate either the two populations are identically distributed or not. मतलब यहाँ पे मैं दो populations under consideration लेता हूँ, बराबर वो जो दो populations हैं, उनका जो distribution है वो identical है या नहीं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडेंटिकल है या नहीं, ये वैलिडेट करने के लिए हम लोग विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट यूज करते हैं। अभी ये रैंक और सम, ये रैंक और सम इस एल्गोरिथम में कहां कहां आता है ये अभी आपको मैं बताऊंगा, एक बड़ा सिंपल स्टेप से। तो पहली स्टेप, चलो दो पॉपुलेशन ले लो P1 P2, दोनों को ऐड अप कर दो, एक सैंपल बना दो S, समझ में आ गया ना, दोनों को ऐड अप किया और एक S बन गया मेरा। अभी ये जो पॉपुलेशंस है इनमें कई सारी ऑब्जर्वेशंस होती है, बराबर। सो ये पॉपुलेशन, ये जो P1 दिख रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ P1, P1 इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, P2 is just collection of observation. तो ये जो एक-एक part दिख रहा है, it is nothing but a single observation in a given P1 and given P2. तो हमने क्या कर रहे हैं, आप plus कर रहे हैं, मतलब we are actually adding of all the observations, और जो हमारा S है, S is nothing but a larger set of observation which is a combination of P1 and P2. तो ये मैंने set of observations S में बना लिए। अब क्या करना है आगे, अब आते हैं अगली step पे, अभी हमें देनी है ranking। तो चलो आ गया पहला part rank। अब देनी है हमें रैंकिंग, कैसे दोगे रैंकिंग, जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये जो अभी इतने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इसमें से समझ लो ये वाला ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है, सो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को आपको लास्ट रैंक देनी है। तो ये जो है ये आपका लास्ट रैंक का हकदार है, और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, समझ लो ये बहुत स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, तो इस ऑब्जर्वेशन को हमने फर्स्ट रैंक देनी है। तो जितना, सो इफ द रैंक इज स्मॉलेस्ट गिव इट फर्स्ट रैंक, इफ इट इज लार्जेस्ट एंड if it is largest observation give it the last rank, and baki ke jo observations hai unko with respect to these largest observation and smallest observations relatively aapko unke ranks deni hai ki ye isse kitna bada observation hai, ye isse kitna chota observation hai, to relatively bakiyon ke aapko ranking karni hai। to ye to ho gaya rank ka funda, bahut easy, okay। abhi ये जो भी असाइंड रैंक्स है या जो नंबर, रैंक कह लो या फिर नंबर, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आप उनको रैंक दे रहे हो ऑब्जर्वेशन को, राइट। तो वो जो रैंक्स है या नंबर है उनको हम क्या करते हैं, सम अप कर लेते हैं, सम अप फॉर बोथ द पॉपुलेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को निकाल लेंगे, ये जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन किया था उसको रैंक दे दिया, अब हम लोग क्या करेंगे ऑब्जर्वेशंस को निकाल देंगे, और जो P1 की पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशंस थी उसको वापस P1 में डाल देंगे, जो P2 की पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस थी उसको P2 में डाल देंगे, अलोंग विद द रैंक्स व्हिच वर देयर ओरिजिनली। तो जो उनकी ओरिजिनली रैंक थी उसके साथ उनको निकाल के वापस इनिशियल में डाल देंगे। तो अभी मेरा P1 एंड P2 क्या कैरी करता है, ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू द रैंकिंग्स in the S, with respect to the rankings in the S, तो जो भी हमने rank दिए थे S में, वो अभी यहाँ पे इनके पास है। तो मैंने क्या किया, अब P1 के पास सारे observations आ गए, plus उनके respective ranking in the S, जो respective ranking थी, वो अभी इनके पास, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे ranking का sum कर देंगे, P1 के लिए भी, P2 के लिए भी, सारे observations की जो ranks थी, उनका sum कर देंगे for both the populations P1 and P2, okay? अभी हमें क्या करना है, ये चेकिंग पॉइंट है भाई। तो अपना रैंक भी हो गया, सम भी कर दिया, मतलब हमने उन्हें रैंक भी कर दिया प्लस सम भी कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा P1 है, मतलब ये मेरा P1 का ऑब्जर्वेशन था और ये मेरा P2 का ऑब्जर्वेशन था, इसे मैंने रैंक दिया से 4, इसे रैंक दिया मैंने 5 फॉर एग्जांपल। तो अभी मैंने इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में सम अप करने का मतलब क्या कि ये मेरा P1 वापस जाएगा इधर विद रैंक 4, यहां का P2 मेरा वापस जाएगा इधर P2 में लेकिन विद रैंक 5। तो समझ में आ रहा है ना, रैंक यही की कैरी करेगा लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो वापस रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन में चले जाएगा। अभी हमें देखना क्या है कि इफ P1 डिस्ट्रीब्यूशन इज शिफ्टेड टू राइट ऑफ द P2, मतलब क्या, जो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाते हैं, ये है P1, ये है P2, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है। तो अगर मेरा जो P1 है अगर वो शिफ्ट होता है राइट को, इफ इट इज गेटिंग शिफ्टेड राइट टू द अदर पॉपुलेशन, मतलब P2 के राइट में अगर ये मेरा P1 शिफ्ट हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो गया, तो इसका बात क्लियर है, इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट है, इसकी बात क्या क्लियर है कि रैंक सम जो है P1 का, जो आपका रैंक सम जो P1 का है
वो ग्रेटर देन है रैंक सम ऑफ पी टू। मतलब अगर मेरा पी वन राइट में शिफ्ट हो जाता है पी टू के, तो जो रैंक सम मेरा पी वन का है वो ग्रेटर देन है रैंक सम ऑफ पी टू। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन है कोई एक ग्रेटर है कोई एक स्मॉलर है, तो ऑब्वियसली वो दोनों पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है? तो इस सिचुएशन में दोनों पॉपुलेशंस का जो यू नो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विवेलेंट नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देता है, वैलिडेशन करता है कि भाई इस तरीके से आपके दोनों पॉपुलेशंस इक्विवेलेंट नहीं है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट नहीं है। तो यही था सिर्फ विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट। बड़ा ही इजी, स्टेप्स वाइज आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये इंटरेस्टिंग लगा हो, आपके काम आया हो कहीं ना कहीं, तो दोस्तों प्लीज वो तीन मैजिकल चीजें मेरे लिए कर दीजिए। प्लीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता यार। पहली बात तो लाइक कर दो इस वीडियो को, लाइक कर दो मेरे एफर्ट्स को, कि ये एफर्ट्स में जो आपके आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए कर रहा हूं उनको लाइक कर दो, मेरे एफर्ट्स को इस वीडियो को शेयर करो, एंड 5 मिनट इंजीनियरिंग को दोस्तों प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो 5 मिनट इंजीनियरिंग को, क्योंकि अभी कंप्यूटर इंजीनियर्स के अच्छे दिन आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज भाई यूट्यूब पे अभी 5 मिनट इंजीनियरिंग आ गया है, जो कि आपके सारे के सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स के टॉपिक कवर करेगा, कोर सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक कवर करेगा। तो प्लीज ऐसी वीडियो लाते रहूंगा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ 5 मिनट इंजीनियरिंग। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।